तो गाइस आज का जो हमारा फ्रेम है वो ये फ्रेम है जो हम अब वीडियो में देख रहे हो गाइस। तो इस तरीके का हम फ्रेम बनाने वाले हैं जैसा कि, तो गाइस ये अभी जो है फ्रेम कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ हमने एक तरीके से आपको रख के दिखा रहे हैं कि इस तरीके का हम बनाने वाले हैं। हम आपको ये दिखाएंगे कि पीछे से किस तरीके से हम इसको कसेंगे। और गाइस आप ये मत कहना कि ये फ्रेम कैसे बनाया गया, तो गाइस आप हमारी वीडियो में देख लेना, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम ये फ्रेम बनाते हैं गाइस। तो फटाफट से गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इन फ्रेमों को जोड़ने वाले हैं। तो पहले इनको हम हटा लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में कि मैं सारे फ्रेम हटा रहा हूँ। उसके बाद मैं इनको पलट के इनके पीछे स्क्रू के मदद से तीन तीन पीस एक साथ कस दूँगा। वो कैसे कसेंगे वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो बस ये दो तो पट हैं और एक खड़ा फ्रेम रखा है हमने, अब मैं फटाफट इसे कसता हूँ। तो गाइस आप ये देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से ये पेच कस दिया। और गाइस पेच कसने के बाद मैंने इस पर फेवी क्यूब डाली है जिसको LP भी कहते हैं गाइस। LP डाल के और मजबूत हो जाएगा। और गाइस मैं आपको ये दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से तीन फ्रेम जोड़े हैं। और गाइस जो इसके बाद जो हम तीन फ्रेम जोड़ेंगे ना गाइस वो कुछ अलग ही तरीके के हैं, यानी कि ये छोटे छोटे हैं और वो उसका जो बीच का फ्रेम है तो गाइस वो बड़ा है। तो इसलिए हमें ये दो फ्रेम आधे आधे में लगाने पड़ेंगे, मतलब आधी जो इसकी मोल्डिंग है उस फ्रेम पर कसी जाएगी और आधी जो मोल्डिंग है उसको नहीं कसा जाएगा, ताकि ऊपर हमारे जो हम एक नाम भी लगाएंगे जिसको वो बोलते हैं जो चाबी नहीं होती, चाबी का गुच्छा टांगने वाला कुछ वो है कुछ इस टाइप का ही है ये गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो ये लिख रहा है इस पर स्वीट होम गाइस, स्वीट होम है ये, जिससे कि चाबी का गुच्छा ही टांगते हैं इन पर ये वो है। पहले मैं इन्हें खोल लेता हूँ ताकि ये लगने में परेशानी नहीं करें। इनको खोलने के बाद मैं आपको एक तरीके से रख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसका बनाने वाले हैं। तो गाइस ये जो दो ऊपर देख रहे हो जो ऊपर रखे हैं ये यहीं पर रखे जाएंगे और यहीं पर इसके दो स्क्रू कस जाएंगे। और ये दो जो फ्रेम बता रहे थे ना गाइस ये जो इसके आधे आधे में कसे जाएंगे, मतलब आधी मोल्डिंग जो है इधर को निकलेगी। मोल्डिंग मतलब कि जो इसमें ब्लैक ब्लैक फंटी लग रही है और जो बीच वाला है उसमें वाइट फंटी लग रही है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि आधी आधी फंटी। तो गाइस वो जो है हम कुछ इस तरीके से कस लेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पर पेच लगा देता हूँ, तो ऐसे पेच पे LP आपको ज़रूर लगानी है अगर आप कुछ इस तरीके का फ्रेम अगर बनाते हो या जोड़ने के लिए इस टाइप का बनाते हो। तो गाइस इसको फ्रेम को कोलाज बोलते हैं जो ये फ्रेम जोड़ के बनता है। तो गाइस मैं पूरे पेच कस के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये पेच कसे हैं। तो गाइस आपको भी काफ़ी मजबूती तरीके से पेच कसने होंगे क्योंकि वो पेच भी नहीं कसे जा रहा था अभी आपने देखा था, लेकिन वो कस कर चुके हैं। देख सकते दो पेच मैंने इधर कस दिए हैं और दो पेच इधर कसने हैं। तो इस मैंने ये दो पेच कस दिए, मैं आपको अब दिखाता हूँ इसको उठाकर कि कैसा ये दिख रहा है उधर से। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेना कि किस तरीके का ये फ्रेम बनने के बाद आएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। और वो जो हमने तीन फ्रेम कसे थे वो अब हम इसके नीचे लगाएंगे गाइस, जो इसके नीचे साइड है लिखा है यूट्यूब व्यूज उसकी नीचे लगाने वाले हैं। वो दो फ्रेम जो है वो हम ये जो यूट्यूब व्यूज है इस फ्रेम के ऊपर लगाने वाले हैं, क्योंकि आप जितने फ्रेम लगेंगे वो सिर्फ यूट्यूब वाले पर ही लगाने वाले। तो गाइस इस तरीके से मतलब कि दो इस वाले कोने पर कसूंगा पेज और दो इधर वाले कोने पर कसूंगा, बस इतना काम और करना होगा गाइस। बस इसके नीचे फंटी लगा दें ताकि ये थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा ना हो, उससे हमें थोड़ी सहायता मिल जाएगी पेच कसने में भी। चल लग गई। तो गाइस फटाफट से मैं पेच कस लेता हूँ। तो गाइस अगर मैं वीडियो में कसूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको वीडियो कट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस किस तरीके से पेच कसने वो आपने देख ही लिए होंगे स्टार्टिंग में। इस तरीके से जैसे दो पेच ये कसे हुए हैं, इसी तरीके से दो पेच हमें इधर की साइड में कसने हैं, यहाँ पर दो पेच कसने हैं। तो गाइस यहाँ भी मैं पेच आपको कस के दिखा देता हूँ कि कैसे कसने, कैसे क्या मतलब गाइस जैसे कि इधर कस रहे हैं वैसे इधर कस देंगे, बस बात खत्म। इतना फ्रेम ये बनकर तैयार हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने दो पेच कस दिए हैं। तो गाइस इन दो पेच कसने के बाद हमें ऊपर की साइड में एक वो लगाना है जो होम स्वीट है। तो गाइस जो आप देख रहे हो रखा हुआ ये और लगाना है, बस इसको लगाते ही ये फ्रेम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस इसको हम किस तरीके से लगाने वाले हैं, ये दो स्क्रू हैं हमारे पास, इन स्क्रू ड्राइवर को साइड जगह दी है जहाँ पर पेच हम डाल सकते हैं, वहाँ डालने के बाद इस वाले नीचे वाली जो मोल्डिंग है इसमें ये कस जाएगा। मैं कुछ किस तरीके से आपको डाल के दिखा देता हूँ, फटाफट से मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे लगाते हैं ये। तो पहले हम ये स्क्रू इसमें हमने डाल के हम इसको कस देते हैं कुछ इस तरीके से। तो गाइस हम कुछ इस तरीके से कस लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक पेच कस दिया है और एक इधर भी कस लेंगे, तो इधर भी कस लेंगे। इसके बाद इस पर वो लगा देंगे जिसमें आपके अपन चाबी के छल्ले वगैरह टांग सकते हो गाइस, जूम है इसमें वो लग जाएगा, उसके बाद ये फ्रेम बन जाएगा। और जूम को भी मैं कस देता हूँ।
गाइस कुछ इस तरीके से मैं इसको कस रहा हूँ, कम जूम कर। तो गाइस ये भी कस चुका है पेज पूरा, जैसा कि आप देख रहे हो। तो गाइस मैं इसको जो है इस तरीके से पलटूंगा, जो देख रहे हो आप इधर वाली मोल्डिंग पे और एक इधर वाली मोल्डिंग पे, यहाँ पर मैं एक पेज कस दूंगा जिससे ये इस तरीके से यहाँ पर रुक जाएगा। वो गाइस इसके बाद भी हमें एक मोल्डिंग और लगानी है इसके ऊपर की साइड में, जैसे कि आपको दिख रही होगी किस तरीके से मैंने लगाई है। वो मोल्डिंग और लगानी है जिस पर हम इस फ्रेम को टांगने वाले कुंदे लगाने वाले हैं, जिससे कि ये फ्रेम काफ़ी मजबूती तरीके से टंग जाएगा। इसे अगर हम फ्रेमों पर लगाएंगे तो शायद उससे इतनी मजबूती से नहीं टंगेगा। अब ये मोल्डिंग लगाएंगे यानी कि ये स्टिक जो है हमारे पास फंटी, ये वाली फंटी लगा के जब हम कुंदे लगाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं एक एक कुंदक वो पेच लगा देता हूँ, जैसे कि एक यहाँ लगाना है मुझे पेच और दो पेच ऊपर वाली पे लगाऊंगा। तो गाइस फिलहाल मैं इसके नीचे वाली पे एक पेच कस देता हूँ। तो गाइस अब मैं ऊपर वाली फंटी को भी कस देता हूँ, जो ऊपर वाली देख रहे हो गाइस। तो नीचे वाली हमने सेट कर दी है, ऊपर वाली सेट करनी रह गई है, बस ऊपर वाली और कसनी है। जरा हमने नीचे थोड़ी फंटियाँ लगा देता हूँ ताकि ऊपर से जब मैं पेच कसूँ तो नीचे को ना दबे फ्रेम। इस तरीके से आप भी देख लेना, अगर नीचे फ्रेम में गैप हो तो आप वहाँ पर कुछ लगा देना, उसके बाद पेच कसना, जैसे कि मैं उसके बाद पेच कस रहा हूँ। तो गाइस फटाफट से मैं ये पेच भी कस देता हूँ। और गाइस ये पेच कसने के बाद मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम ये कुंदा लगाएंगे, जो हम इसमें कुंदा लगाते हैं वो। तो गाइस फिलहाल मैं ये फंटी कस देता हूँ, इसे कसने के बाद फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, कुंदा भी हमने किस तरीके से लगाया। उसके बाद मैं आपको टोटल ही पेज दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें पेच लगे गए हैं, कहाँ कहाँ हमने पेच लगाए हैं। अगर आपने कोई वीडियो में स्किप कर दी होगी तो आप शायद आप जाकर देख लेना। फिलहाल आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, कभी आप भी कोई पेच लगाने से भूल जाओ तो। इसलिए गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ मैं पेच लगा रहा हूँ, कहाँ कहाँ नहीं लगा रहा हूँ, ये आपको इस वीडियो में देखना। तो गाइस दो मैंने इस तरीके से ये ऊपर लगा दिए हैं, एक इधर बीच में जगह छोड़िए गाइस। यहाँ पर जो हम कुंदा लगाएंगे नहीं, दो पेच और लगने वाले हैं जिस तरीके से काफ़ी मजबूती हो जाएगी। तो गाइस ये वो कुंदा है जो आप देख रहे हो हमारे पास, ब्लैक कलर का कुंदा है, इस कुंदा भी काफ़ी मजबूत है ये गाइस। तो इस कुंदे को मैं इस तरीके से लगाता हूँ और इसके साइड में मैं दो पेच कस दूंगा, जो यही वाले पेच कसूंगा जो पेच इसमें कस रखे हैं, वही पेच मैं इसके दोनों साइडों में कस दूंगा, जिससे कि ये कुंदे की मजबूती भी और हो जाएगी और फ्रेम की भी मजबूती काफ़ी इससे हो जाएगी। तो गाइस ये पेच भी मैं इस तरीके से इसमें यहाँ कस दूंगा, दोनों कुंदों में पेच मैं इस तरीके से यहाँ लगा दूंगा। तो मैं अभी आपको एक कुंदा लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मुझे ये कुंदे लगाने हैं। तो गाइस आप भी अपने यहाँ पेच कस हो या पेच कस की मस करने था, या आपकी मशीन हो तो मशीन से और भी बढ़िया रहेगा, आप जल्दी कस तो करें। लेकिन फिलहाल हम तो गाइस पेच से ही कस रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मशीन है, मशीन थोड़ी डाउन है हमारी, तो इसलिए वो पेच नहीं कस पा रही है, इसलिए हम ये इस चीज़ से कस रहे हैं। और गाइस इस पर आपको कोई फेविक्विक या एलपी वगैरह का कोई यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की कोई चीज़ का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें जहाँ यूज़ करना था फेविकोल या एलपी का, जहाँ भी हमें यूज़ करना था वो हमने यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि हमें जहाँ हमने फ्रेम रोके थे ना गाइस वहीं पर एलपी का यूज़ करना था। तो गाइस इस फंटी की मजबूती जो है बहुत हो चुकी है, क्योंकि इस अकेली फंटी पर टोटल 8 पेच कस चुके हैं गाइस। तो इस वजह से इसकी मजबूती काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि इस पर 8 पेच कस चुके हैं। तो गाइस आप सब में देख सकते हो किस तरीके के पेच कस चुके हैं गाइस, इधर के साइड और लगे, इस तरह की साइड भी फटाफट से मैं आपको कस के दिखा देता हूँ। और कसने के बाद गाइस मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये फ्रेम किस तरीके का उधर से दिख रहा है। तो गाइस इसमें जो फोटो का साइज है वो 5x7 है, और जो बीच वाला है वो 8x12 है। तो और पास का 5x7 है और बीच वाला 8x12 है।